वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं, कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस हैं और इंजन में किस लोकेशन में लगे होते हैं, इसके संबंध में समझते हैं। आज डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम को समझने से पहले फ्यूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक इंजन में इंजन फ्यूल की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। इंजन में प्रयोग किए जाने वाले जो फ्यूल प्रयोग किए जाते हैं इंजन में, वे सॉलिड, लिक्विड और गैस ईंधन प्रयोग किए जाते हैं। सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत इंजन में कोक का उपयोग किया जाता है। तो जो ईंधन जिस इंजन में कोक का प्रयोग किया जाता है वह इंजन एक्सटर्नल कम्बसन इंजन होता है, जिसे हम स्टीम इंजन के नाम से भी जानते हैं। और लिक्विड ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं। डीजल और पेट्रोल का जो उपयोग है वो इंटरनल कम्बसन इंजन में यूज करते हैं, और उसी प्रकार से गैस ईंधन के रूप में सीएनजी गैस और कुछ एलपीजी गैस का भी उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। और इस ईंधन का भी जो उपयोग होता है वो इंटरनल कम्बसन इंजन में होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ फ्यूल की विशेषताएं होती है, तो समझते हैं डीजल और पेट्रोल फ्यूल की विशेषताओं के बारे में। तो जैसे पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के ज्वलनशीलता को दर्शाने के लिए हम ऑक्टेन नंबर से उसे प्रदर्शित करते हैं। तो ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है कि पेट्रोल की ज्वलन गुणता निर्धारित करने की माप को हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं। इसकी जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो इंजन में नॉकिंग का विरोध करने की होती है। और ऑक्टेन नंबर जितना उच्च होगा वह फ्यूल के दहन से इंजन के अंदर जो नॉकिंग की जो प्रवृत्ति होती है वह उतनी ही कम होती है। तो इस प्रकार से पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा दूसरी विशेषता है ओलिटिलिटी की। ओलिटिलिटी का मतलब होता है कि ओलिटिलिटी गैसोलीन के वाष्पित होने की एक क्षमता होती है। वाष्पीकृत फ्यूल आसानी से जलेगा और हवा के साथ मिक्स हो जाए वाष्पीकृत फ्यूल आसानी से, जिसमें उसका दहन होता है। और जितना हवा के साथ में वह फ्यूल वाष्पित होगा वह फ्यूल उतनी आसानी से जलेगा। तो उसमें वोलेटिलिटी का गुण होना चाहिए। तीसरी विशेषता फ्यूल की है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी तरल पदार्थ के बहने का गुण, उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। और इसी प्रकार से इसका चौथा गुण होता है सल्फर तत्व। चूंकि हम जानते हैं कि पेट्रोल में सल्फर तत्व होता है, तो गैसोलीन में कुछ मात्रा में सल्फर की होती है, तो फ्यूल में उपस्थित जो सल्फर इंजन के संचारण मतलब कोरोजन बढ़ाती है, इसलिए पेट्रोल में सल्फर तत्व की मात्रा कम होनी चाहिए। तो निर्धारित ज्यादा से ज्यादा उसमें 0.5% सल्फर हो सकता है, उससे ज्यादा होने पर पेट्रोल में कोरोजन की मात्रा कोरोजन ज्यादा जमेगा, इसलिए सल्फर तत्व कम मात्रा में होना चाहिए। उसी प्रकार से नेक्स्ट है योजक। कुछ पेट्रोल या ईंधन में कुछ योजक तत्व मिलाए जाते हैं, तो योजक तत्व
हानिकारक जमाव को रोकने के लिए गैसोलीन में कई प्रकार के एडिटिव्स डाले जाते हैं या योजक डाले जाते हैं और इंजन में फ्यूल जमने की रोधी क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से ईंधन में फ्यूल के कुछ विशेषताएं होती है। तो ये विशेषताएं फ्यूल में होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो डीजल इंजन होता है उस डीजल इंजन में को भी उसके ज्वलनशीलता की माप को प्रदर्शित करने के लिए सीटेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। सीटेन से उसको प्रदर्शित किया जाता है। सीटेन का मतलब होता है कि ये डीजल के लिए होता है, डीजल में उसकी ज्वलनशीलता की माप को प्रदर्शित करता है सीटेन। तो पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर और डीजल के लिए सीटेन नंबर होता है। तो इस प्रकार से फ्यूल की कुछ विशेषताएं होती है। और जैसे कि अब जानते हैं समझते हैं कि जो इंजन में जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है वो फ्यूल सप्लाई सिस्टम इंजन में दो प्रकार से होता है। एक पुराने समय में पहले मतलब इंजन में अंतक्षेपण प्रणाली प्रयोग करी गई। इसके अंतर्गत पहला एयर ब्लास्ट इंजेक्शन सिस्टम होता था। एयर ब्लास्ट इंजेक्शन सिस्टम पुराने इंजनों में प्रयोग किया जाता था। इस सिस्टम में हवा को कंप्रेस करके फ्यूल सप्लाई प्रोसेस करी जाती थी। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था इसलिए ज़्यादातर इस इंजन में इस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया गया। उसके बाद दूसरा सिस्टम आया मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम। तो मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम जिसे हम यांत्रिक अंतक्षेपण प्रणाली भी कहते हैं, इस सिस्टम का प्रयोग वर्तमान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है इसमें फ्यूल को एक मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा प्रेशर के साथ इंजेक्टर को भेजा जाता है। इंजेक्टर द्वारा इसे कंबशन चैम्बर में ऑटोमाइज फॉर्म में स्प्रे कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है ये सिस्टम कहलाता है मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम। ये मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जान सकते हैं कि एक सिस्टम निम्न दाब ईंधन प्रदान प्रणाली होती है, निम्न दाब ईंधन प्रदान प्रणाली। इस दाब में इसमें क्या होता है कि निम्न दाब ईंधन प्रदान प्रणाली में एक या अधिक फ्यूल टैंक या एक फीड पंप, फ्यूल फिल्टर, हैंड प्राइमिंग पंप और ओवरफ्लो वाल्व और एक रिटर्न वेरिफिस शामिल होते हैं। इसी प्रकार से मीटरिंग अंतक्षेपण प्रणाली होती है। तो मीटरिंग अंतक्षेपण प्रणाली में मुख्यतः FIP तथा इंजेक्टर शामिल होते हैं और इसे मीटरिंग अंतक्षेपण प्रणाली के आधार पर भी तीन भागों में इसे बांटा गया है जिसे हम बोलते हैं पंप कंट्रोल सिस्टम। तो पंप कंट्रोल सिस्टम में FIP तथा इंजेक्टर का दोनों अलग अलग होते हैं। और इसके अलावा एक सिस्टम होता है और यूनिट अंतक्षेपण प्रणाली जिसे यूनिट इंजेक्शन सिस्टम कल बोलते हैं। तो यूनिट इंजेक्शन सिस्टम में FIP तथा इंजेक्शन दोनों कंबाइंड होते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं यूनिट इंजेक्शन सिस्टम। इसके अलावा कॉमन रेल सिस्टम होता है। तो कॉमन रेल सिस्टम अभी मॉडर्न इंजनों में इस सिस्टम का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के जो सिस्टम हैं ये इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो समझते हैं अब डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम को। तो डीजल फ्यूल सप्लाई में जैसे कि आप जानते हैं ये चित्र के माध्यम से बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रयोग किए गए हैं जिसे हम बोलते हैं डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम। डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स प्रयोग किए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स के माध्यम से कंबशन चैम्बर में फ्यूल का सप्लाई होता है वो समझते हैं। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम को। तो देखते हैं कि प्रारंभिक रूप में सबसे पहले एक फ्यूल टैंक का प्रयोग किया गया। फ्यूल टैंक का प्रयोग किया गया। तो फ्यूल टैंक के बारे में जानते हैं कि
और एक बात कि जैसे इंजन में जो सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं, एक ग्रेविटी फिट सिस्टम भी होता है, तो ग्रेविटी फिट सिस्टम में क्या होता है कि जो फ्यूल टैंक होता है उसको FIP से, मतलब फ्यूल इंजेक्शन पंप के ऊपर माउंट किया जाता है, और ये सिस्टम ग्रेविटी फोर्स पर काम करता है। ग्रेविटी फोर्स में जो फ्यूल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है और फ्यूल इंजेक्शन पंप में प्रवाहित होता है, तो ये ग्रेविटी फिट सिस्टम होता है। और दूसरा सिस्टम होता है फोर्स्ड फिट सिस्टम। तो जो हम डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये फोर्स्ड फिट सिस्टम ही होता है। फोर्स्ड फिट सिस्टम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक फ्यूल टैंक से एक पाइप के माध्यम से एक कंपोनेंट्स अटैच होता है जिसे हम फीड पंप बोलते हैं, फीड पंप। इस फीड पंप का जो काम होता है, ये फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेना और प्रेशर के साथ फ्यूल फिल्टर को सप्लाई करता है, तो यहाँ पर एक पंप का काम करता है, पंप फिट देता है फ्यूल को, इसलिए इस सिस्टम को हम फ्यूल फिट सिस्टम भी कहते हैं। तो जानते हैं पहले फ्यूल टैंक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये फ्यूल टैंक होता है, ये फ्यूल टैंक इंजन के किसी भी स्थान पर चेचिस के साथ किसी भी स्थान पर इसे माउंट कर दिया जाता है नट बोल्ट के माध्यम से। और ये जो टैंक होता है, ये इसके इसकी बात करें तो ये राउंड एंड रेक्टेंगल शेप में इसे बनाया जा सकता है। ये राउंड में भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है टैंक, और रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है। और इसे गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील से इसे बनाया जाता है। जो फ्यूल टैंक जो बना होता है, ये गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील शीट का बना होता है फ्यूल टैंक। ये फ्यूल टैंक की विशेषता होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब ये चेचिस पर माउंट होता है तो व्हीकल के चलने के दौरान कंकड़ पत्थर इस टैंक पे टकराते हैं, तो ये फटना नहीं चाहिए, इसलिए इसे मजबूत मटेरियल से बना जाता है, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील शीट से बना होता है प्रेशराइज करके। और इसके अलावा टैंक को जंग से बचाने के लिए अलग अलग फाइबर जैसे मटेरियल से भी बनाया जाता है, और जिसे जंग से बचा जा सके सीट को, फ्यूल टैंक को। तो फ्यूल टैंक में के कुछ भाग होते हैं, जैसे ये भाग कहलाता है फिलर नेक, फिलर नेक कहलाता है। और इसी टैंक में जब व्हीकल चलता है, व्हीकल चलने के दौरान जब ऊपर नीचे चलता है, तो इसमें भरा हुआ जो डीजल होता है वो छलकते रहता है, तो जिससे छलकने के कारण प्रेशर बनता है इसके इसके भाग पर, जिससे फटने की संभावना होती है। तो इसलिए बचने के लिए इसमें बीच में बैफल्स बना दिए जाते हैं, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे छलकता कम है फ्यूल, और इसके भाग पर इसका प्रेशर फ्यूल का कम पड़े, फटने से बचे। और इसके अलावा इसमें एक फ्यूल गेज सेंसिंग यूनिट भी लगी होती है। फ्यूल गेज सेंसिंग यूनिट का संबंध फ्यूल टैंक पे फ्लोट होता है, वो फ्लोट जो होता है फ्यूल के स्तर को बताता है, जो हम व्हीकल में डैशबोर्ड पर इसको देखते हैं। और इसके अलावा एक सेडिमेंट बाउल होता है, ये वाला जो भाग कहलाता है सेडिमेंट बाउल कहलाता है, जिसमें फ्यूल के साथ में आई जो मोटी अशुद्धि होती है वो ये सेडिमेंट चैम्बर में नीचे की ओर बैठ जाता है, जिससे आगे जो फ्यूल का सप्लाई होता है वो मोटी अशुद्धि फ्यूल के साथ आगे ना जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ड्रेन प्लग प्रोवाइड किया जाता है, ड्रेन प्लग। ये ड्रेन प्लग का काम होता है फ्यूल को ड्रेन करने के लिए। तो इस प्रकार से ये फ्यूल टैंक होता है। अब फ्यूल टैंक को एक पाइप के माध्यम से, एक जो फीड पंप लगा होता है, उस फीड पंप और फ्यूल टैंक को एक पाइप के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो पाइप कहलाती है, ये सक्शन पाइप कहलाती है, सक्शन पाइप कहलाती है। फीड पंप और फ्यूल टैंक के बीच में जो पाइप को कनेक्ट किया जाता है, ये सक्शन पाइप कहलाती है। तो इस पाइप के माध्यम से इंजन में जो फीड पंप प्रयोग किया जाता है,
ये जो फीड पंप होता है, इस फीड पंप का काम होता है फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेना और फ्यूल फिल्टर को सप्लाई करना प्रेशर के साथ में। ये फीड पंप का काम होता है। और चूंकि फीड पंप को जो इंजन में लगा हुआ जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, जैसे आप ये जो भाग देख रहे हैं, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप पर लगा होता है। और इसे जो ड्राइव मिलती है, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप की केम सॉफ्ट द्वारा ही इसे ड्राइव दी जाती है। और इस पंप का जो प्रेशर होता है सामान्यतः 900 बार से 1000 बार का प्रेशर होता है। इस फ्यूल टैंक का 900 से 1000 बार का प्रेशर होता है सामान्यतः। और कुछ पेट्रोल इंजन में जैसे फीड पंप प्रयोग किया जाता है, उसका प्रेशर होता है 0.18 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फीड पंप का प्रेशर होता है। क्योंकि जो फीड पंप होता है उसी फीड पंप पर एक और यूनिट लगी होती है, इसे बोलते हैं प्राइमरी फिल्टर कहा जाता है। ये प्राइमरी फिल्टर का जो काम होता है, ये फ्यूल के साथ में जो आई हुई मोटी अशुद्धि होती है, उस मोटी अशुद्धि को छानना, फिल्टर करना, ये प्राइमरी फिल्टर का काम होता है। क्योंकि इस प्राइमरी फिल्टर में एक नायलोन का बना हुआ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, नायलोन का बना हुआ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है जो फ्यूल में आई मोटी अशुद्धि को छान लेता है, फिल्टर कर देता है। उसी प्रकार से दूसरी यूनिट लगी होती है एक फीड पंप पर, जिसे हम हैंड प्राइमिंग पंप बोलते हैं। इसे कहा जाता है हैंड प्राइमिंग पंप। ये हैंड प्राइमिंग पंप का जो काम होता है, ये फ्यूल के साथ में जो एयर यहाँ पर लॉक हो जाती है, फ्यूल मतलब जैसे फ्यूल टैंक और फीड पंप के बीच में जो फ्यूल आता है उसमें एयर आ जाता है, तो एयर जो फ्यूल टैंक खाली हो जाता है कभी अचानक, तो उसके साथ में एयर आ जाती है और एयर आने से फ्यूल जो है आगे बढ़ नहीं पाता, तो उसको ब्लीड करने के लिए ये हैंड प्राइमिंग पंप का प्रयोग किया जाता है। और ब्लीड करने के लिए यहाँ फ्यूल इंजेक्शन पंप पर दो ब्लीड स्क्रू दिए होते हैं, उसी प्रकार से फिल्टर पर दो ब्लीड स्क्रू दिए होते हैं। इस ब्लीड स्क्रू को लूज करके हैंड प्राइमिंग पंप को चलाया जाता है, जिससे प्रेशर के साथ में फ्यूल के साथ में एयर जो होती है ये ब्लीड स्क्रू के माध्यम से बाहर निकल जाती है बुलबुलों के रूप में, तो इसे कहा जाता है ब्लीडिंग करना। तो हैंड प्राइमिंग प्रोसेस के द्वारा हम ये एयर को ब्लीड करते हैं। तो इस प्रकार से इस फीड पंप इंजन में लगा होता है फ्यूल FIP पर, जिसे कैमशाफ्ट द्वारा चलाया जाता है FIP की, और एक हैंड प्राइमिंग पंप डिवाइस लगी होती है, एक प्राइमरी फिल्टर लगा होता है जो मुख्य शुद्धि को छानता है। तो इस प्रकार से फिर दूसरा पाइप लगा होता है फीड पंप के साथ में फ्यूल फिल्टर के साथ। तो यहाँ फ्यूल फिल्टर के साथ जब फ्यूल यहाँ सप्लाई होता है, तो दो प्रकार के फ्यूल फिल्टर यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। ये सिंगल स्टेज फ्यूल फिल्टर एक प्रयोग किया जाता है और टू स्टेज फ्यूल फिल्टर प्रयोग किया जाता है। तो जो सिंगल स्टेज फ्यूल फिल्टर होता है, ये छोटे स्टेशनरी इंजनों में इस सिंगल स्टेज फ्यूल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिंगल स्टेज फ्यूल फिल्टर फ्यूल को फिल्टर करने में सक्षम होता है, तो इसलिए ये सिंगल स्टेशनरी इंजनों में इस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें सिर्फ सिंगल ही फिल्टर होता है। और जो बड़े इंजन, बड़े डीजल इंजन होते हैं, हेवी इंजन होते हैं, उनमें टू स्टेज फ्यूल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा फिल्टर होता है टू स्टेज फ्यूल फिल्टर फिल्टर तो टू स्टेज फ्यूल फिल्टर में दो प्रकार के फ्यूल फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं। पहला होता है प्राइमरी फिल्टर और दूसरा होता है सेकेंडरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर और जो सेकेंड है सेकेंडरी फ्यूल
फिल्टर। तो इस प्रकार से एक डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम में टू स्टेज फ्यूल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो टू स्टेज फ्यूल फिल्टर जो होता है, इसमें जब डीजल फीड पंप से फिल्टर में आता है तो प्रारंभिक रूप से पहले प्राइमरी फिल्टर में उसका फिल्टर होता है। तो प्राइमरी फिल्टर में जो एलिमेंट प्रयोग किया जाता है वो क्लॉथ का होता है, जो मोटी फ्यूल के साथ में जो मोटी अशुद्धि होती है उस मोटी अशुद्धि को यह प्राइमरी फिल्टर पहले फिल्टर कर लेता है। उसके बाद वह फिल्टर छनकर फिल्टर होकर दूसरे सेकेंडरी फिल्टर में जाता है, और सेकेंडरी फिल्टर में जो एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं वो पेपर एलिमेंट्स होते हैं। और ये पेपर एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत बारीक से बारीक जो अशुद्धि होती है उस अशुद्धि को भी फिल्टर करने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार से इसमें दो प्रकार के फिल्टर प्रयोग किए गए हैं, प्राइमरी फिल्टर और सेकेंडरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर में एलिमेंट के रूप में हमने क्लॉथ का प्रयोग किया और सेकेंडरी फिल्टर में एलिमेंट के रूप में पेपर का प्रयोग किया। तो पेपर ये फॉइल टाइप पेपर फिल्टर एलिमेंट्स हो सकता है। और इस प्रकार से फिल्टर एलिमेंट्स प्रयोग किए जाते हैं और ये पूर्ण रूप से फिल्टर को क्लीन करने में सक्षम होते हैं। उसी प्रकार से ब्रिड, इस यहाँ पर ब्रिड स्क्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। अचानक कभी फ्यूल के साथ में जो एयर आ जाती है उस एयर को ब्रिड करने के लिए सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर पर ब्रिड स्क्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, और फ्यूल का जो प्रवाह होता है वो प्राइमरी फिल्टर से सेकेंडरी फिल्टर की ओर होता है इस प्रकार से। और इसी फिल्टर में कभी अचानक बहुत दिनों तक चलने के बाद में फिल्टर एलिमेंट ब्लॉक हो जाते हैं, तो ब्लॉक होने के दौरान फ्यूल का जो सप्लाई वो इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप के तरफ कम होगा। इसलिए इसी फिल्टर एलिमेंट में फिल्टर में बाईपास वाल्व भी प्रोवाइड किया जाता है। ये बाईपास वाल्व का जो काम होता है, ये जब फिल्टर एलिमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं उसके दौरान प्रेशर यहाँ बढ़ता है और बाईपास वाल्व ओपन होता है, और ये बाईपास वाल्व के माध्यम से सीधे फ्यूल का जो सप्लाई है वो फ्यूल इंजेक्शन पंप की ओर होता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं डीजल इंजन में। उसके पश्चात जब फिल्टर से एलिमेंट फिल्टर से फ्यूल फिल्टर होकर फ्यूल इंजेक्शन पंप में आता है, जैसे आप देख रहे हैं ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम होता है कि इंजन में प्रेशर के साथ निश्चित अंतराल पर और निश्चित मात्रा में फ्यूल को सप्लाई करना। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप जो होता है हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से